नमस्कार, गणेशोत्सव विशेष स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूँ शिवानी। गणेश चतुर्थी के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। ये 10 दिन सभी भक्त भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि भक्ति भाव से पूजा करने से विघ्नहर्ता आपके सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। गणेश जी की पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है? अगर नहीं तो हम बताते हैं कि आखिर क्यों गणेश जी के पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं होता है। दरअसल पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गणपति जी समुद्र किनारे तपस्या कर रहे थे। उसी समय समुद्र किनारे धर्मात्मज कन्या तुलसी अपने विवाह के लिए यात्रा करते हुए वहां पहुंची थी। गणेश जी रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठकर तपस्या कर रहे थे। उनके गले में चंदन समेत अन्य रत्न जड़ित हार थे, जिसमें उनकी छवि बेहद मनमोहक लग रही थी। गणेश जी की मनमोहक छवि को देखकर तुलसी का मन उनकी ओर आकर्षित हो गया। तब तुलसी ने गणेश जी को तपस्या से उठाकर विवाह का प्रस्ताव दे दिया। तपस्या भंग होने से गणेश जी क्रोध में आ गए। उन्होंने तुलसी के विवाह के प्रस्ताव को लगातार ठुकरा दिया। भगवान गणेश के मना करने से तुलसी क्रोधित हो गई और उन्होंने श्राप दिया कि उनके दो विवाह होंगे। वहीं आपको बता दें कि भगवान गणेश ने क्रोध में आकर तुलसी का विवाह राक्षस से होने का श्राप दे दिया। ये सुनकर तुलसी माफी मांगने लगी। तब गणेश जी ने कहा, तुम्हारा विवाह शंखचूर्ण नाम के राक्षस से होगा, लेकिन तुम पौधे का रूप धारण कर लोगी। उन्होंने कहा कि कलयुग में तुलसी जीवन और मोक्ष देने वाली होगी, लेकिन मेरी पूजा में तुम्हारा कोई भी प्रयोग नहीं होगा। इसलिए भगवान गणेश की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं होता है। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा सबसे पवित्र माना जाता है। इसका इस्तेमाल पूजा सामग्री में किया जाता है। इसके साथ ही भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। उनकी पूजा बिना तुलसी के अधूरी मानी जाती है। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। गणेश जी से जुड़े रोचक तथ्य जानने के लिए बने रहिए हमारे गणेशोत्सव विशेष सीरीज के साथ और देखते रहिए वीके न्यूज। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।